फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको ये ग्लव्स बनाना सिखाऊंगी। विदाउट फिंगर बना है ये। ये इसका अंगूठा ही अलग बनाया है, बाकी ये इकट्ठा ही बनाया है। तो ऐसे बनकर आया है, दोनों एक जैसे ही बनने हैं। एक साइड ही हमारा ये अंगूठा निकलेगा, जहाँ से हमारी ये खुली साइड होगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने डाले हैं 45 फंदे। ये मैंने बूल ली है और ये 10 नंबर की नीडल ली है। मैं 10 नंबर पर ही सारा बनाऊंगी। अगर आप बॉर्डर थोड़ा टाइट चाहते हो तो आप 11 नंबर की नीडल में भी बॉर्डर बना सकते हैं, और ऊपर आप 10 नंबर की नीडल भी लगा सकते हैं। तो पहला फंदा उतार लें, अपनी साइड करेंगे ऊन को। और एक बार मैंने यहाँ पर ये सिंपल डबल ऊन के साथ फंदे डाले हैं, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा दूसरी साइड। और ये जो फंदा है इसे हमने सीधा ऐसे नहीं बनाना है, इसे इस साइड से बनाना है, सीधा बैक साइड से। ऐसे ऊन को अपनी साइड करेंगे, उल्टा फंदा, सिंपल उल्टा बनेगा। और जो सीधा फंदा है उसे ऐसे बनाएंगे इस साइड से, और ऊन को इस तरीके से बाहर की ओर लपेटेंगे। उल्टा फंदा और सीधा फंदा बैक साइड से बुनेंगे, और ऊन को ऐसे नहीं लपेटेंगे, ऊन को ऐसे लपेटेंगे। तो दोनों साइड से जो सीधा फंदा है ऐसे ही बनेगा, और उल्टा फंदा नॉर्मल ही बनेगा, जैसे हम बनाते हैं उल्टा फंदा। तो ऐसे ही आपने कंप्लीट कर लेना है बॉर्डर। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। दोनों साइड से सीधा फंदा जो है बैक साइड से लेना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा बना लिए हैं, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पहला फंदा उतारेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा दूसरी साइड, और सीधा फंदा ऐसे बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा दूसरी साइड, सीधा फंदा बैक साइड से ऐसे बुनेंगे। यहाँ से नीडल डालेंगे और इस तरीके से बुनेंगे। ये मैंने इतना बना लिया है बॉर्डर ग्लव्स के लिए। आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप और भी बना सकते हैं। मैंने ये 18 लाइनें यहाँ पर कंप्लीट की हैं। ये जो उल्टी उल्टी हैं ये काउंट करेंगे। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 लाइनें ये बनाई हैं। ये हमारा बन चुका है इतना। अब यहाँ से देखिए कैसे बनेगा। एक हाफ फंदे जो हैं हम एक नीडल में ले लेंगे यहाँ तक। तो एक साइड यहाँ पर ये 22 फंदे हैं और एक साइड 23 फंदे हैं, क्योंकि 45 फंदे हैं। और एक बात, बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक सिलाई जो है सीधी बना ली थी, उल्टी साइड से हमने ये ऐसे किया है। धागा ये उल्टी साइड है, हाफ हाफ कर लिए फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा है। आप बराबर भी रख सकते हैं फंदे, ज़रूरी नहीं है। मैंने 45 रखे थे तो ऐसे आप 46 भी रख सकते हैं, तो हाफ हाफ हो जाएगा। अंगूठे के लिए मैंने 15 फंदे रखे थे, तो इसलिए मैंने ये एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है। आप 16 भी रख सकते हैं अंगूठे के फंदे, ऐसे डबल कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, ये जो हमने नोक डाली इस साइड आ गई हमारी ये, और ये जो है इस साइड है। तो इन फंदों को भी ऐसे ही नीडल में डाल लेंगे, या आप एक साइड हो तो उसी में भी डाल सकते हैं। सिंपल नीडल जो होती है ऐसे सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे
राइट साइड जो है अंदर की साइड होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना। ये उल्टी साइड है हमारी, ये बाहर की साइड होगी। तो ये देखिए ऐसे हो गए हमारे फंदे, एक नीडल में थे अब दो नीडल में हो गई। ऐसे कर लेने हैं आपने हाफ हाफ फंदे ऐसे। अब जिस भी नीडल से बना रहे हैं आप, 10 नंबर से बना रहे हैं तो उसी से बनाना है आगे भी। एक फंदा यहाँ से लेंगे ऐसे, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे ऐसे। जो इस नीडल में है फंदा, इसे बिना बुना उतार लेंगे। जो अपनी साइड है नीडल में, इसे उल्टा बुन लेंगे। जो दूसरी नीडल में है, इसे उतार लेंगे। एक यहाँ से बुनेंगे ऐसे, दूसरी नीडल से बिना बुना उतारेंगे। इसे बनाना नहीं है जो इस नीडल में है। और जो अपनी साइड है नीडल, इससे उल्टा बना लेंगे। यहाँ से उतारेंगे बिना बुना और इसे बुन लेंगे। यहाँ से बिना बुना उतारेंगे और इसे बुन लेंगे। ऐसे हमने एक ही नीडल में ये फंदे कर लेने हैं। इसे उतारेंगे, इसे बुन लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, इसे बना लेंगे। एक उतारेंगे सेकंड नीडल से और अपनी साइड जो नीडल है इसे उल्टा बना लेंगे। सो इसे बुन लेंगे। ये ध्यान रखना है, गलत नहीं बनाना है, नहीं तो हमारा ये बीच से जुड़ जाता है और ख़राब हो जाएगा आपका। ये उतारेंगे, इसे बुन लेंगे। उतारेंगे, यहाँ से बुन लेंगे। जितने भी फंदे होंगे आपने ऐसे ही करते जाना है। सेकंड नीडल से उतारेंगे बिना बुना और अपनी साइड जो नीडल होगी उसे बना लेंगे। ये उतारा और ये बुन लिया, ये उतारा और ये लास्ट का बुन लिया ऐसे। एक उतारेंगे और एक बुनेंगे ऐसे आएंगे ही। अब देखिए क्या करेंगे, राइट साइड अब देखिए क्या करेंगे। ये फंदा हमने बुना था, इस बात का आपने ध्यान रखना है, जो बुना था नेक्स्ट रो में उसे बिना बुना लेंगे। तो ये हमने बुन लिया था उस साइड से, तो अब बिना बुना उतारेंगे। इस फंदे को बुन लेंगे उल्टा, एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे। एक उतारेंगे बिना बुना और एक उल्टा बुनेंगे। ये देखिए अपने आप पता चलता है, ये वाला फंदा जो है ऐसे सीधा दिख रहा है। इसे उतारेंगे बिना बुना और इसे उल्टा बुनेंगे। एक उतारना है और एक बुनना है। आपने गड़बड़ नहीं करनी है कि यहाँ का बुन दिया और यहाँ का बिना बुना ले लिया, तो आपका ये डिजाइन जो है गलत हो जाएगा। एक उतारेंगे, एक बुनेंगे। एक उतारेंगे, एक बुनेंगे। स्टार्टिंग से जब हम नीडल को शुरुआत करेंगे बुनने के लिए, तब आपने ध्यान रखना है कि जब हमने नीडल में बुना था लास्ट में, तो हमने कौन सा फंदा बुना था और कौन सा बिना। देखिए लास्ट में आ गए, ये फंदा उतारा और ये फंदा बना लिया। ये फंदा हमने उतारा है ऐसे, उतारा है तो अब टर्न करेंगे। अब इसे हमने बुन लेना है उल्टा ऐसे, बुन लिया ये, अब इसे उतारेंगे अगले को। तो आपने शुरुआत ऐसे करनी है तो आपका ये सही बनेगा। फिर
फिर आपने एक उतारना है और एक बुन लेना है। या अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो देखिए ध्यान से, ये वाला फंदा सीधा दिख रहा है, इसे उतार लेंगे और ये जो उल्टा दिख रहा है यहाँ से इसे बना लेना है उल्टा। बनाना दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही है, एक फंदा बुनना है और एक बिना बुना लेना है। ये देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ऐसे आएगा आपका, ये ऐसे आएगा। आप अगर गलत बनाओगे तो हमारा ही जुड़ जाएगा बीच से कोई फंदा, तो आपने सही तरीके से बनाना है। इसे उतारना है, देखिए अपने आप पता चलता है सीधा फंदा दिख रहा है, इसे उतार लेंगे और ये जो उल्टा दिख रहा है इसे उल्टा बना लेंगे। ऐसे ही आपने बनाते जाना है। ये मेरी तीन लाइनें हो गई, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए इतना बना लेना है, मैं बाद में बताऊंगी कि कितनी आपने ये रो बनानी है। तीन बना ली हैं, पंद्रह लाइंस हमने यहाँ पर बनानी है। ये जो रो बनाई है 15 बनानी है, तीन बनी है अभी और मैं बना लेती हूँ। और आप ऐसे हाथ डाल के देखते भी रहिए, ऐसे खुला खुला आना चाहिए, कहीं आपका फंदा जुड़ तो नहीं गया, गलत तो नहीं आपने बनाया है, ऐसे करके खुला होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये 15 लाइनें बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए अब हम यहाँ पर अंगूठा बनाएंगे। अंगूठा हमने इस साइड बनाना है जहाँ से खुला भाग है, इस साइड बनाएंगे। तो अंगूठे के लिए फंदे लेंगे, पहला फंदा बना लेंगे ऐसे, इस फंदे को बिना बुना लेंगे, नेक्स्ट फंदे को बुन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 फंदे हमने अंगूठे के लिए रखे हैं। अब यहाँ से टर्न हो जाएंगे, अपनी साइड ऊन करेंगे, इस फंदे को उतार लेंगे बिना बुना, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा उतारेंगे बुनेंगे नेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ बॉर्डर के बाद बुना था वैसे ही बनाना है। 15 फंदे टोटल बनाने हैं, एक बुनेंगे और एक उतारेंगे। ये लास्ट का उतार लेंगे, हमने उतारा था पिछली रो में, तो अब इसे बुन लेंगे, एक उतारेंगे एक बुन लेंगे, एक उतारेंगे एक बुन लेंगे। पंद्रह फंदे ही बनाने हैं ऐसे, ये देखो। यहाँ से टर्न लेंगे, लास्ट का फंदा बुन लिया तो आप इसे उतारेंगे, एक बुनेंगे एक उतारेंगे। लास्ट का फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, अब इस फंदे को बुन लेंगे, एक उतारेंगे एक बुनेंगे। ये बना लिए हैं मैंने इतने, यहाँ से काउंट करेंगे तो 8 लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों साइड से 8 रो हैं। यहाँ से हमने अलग जब किया था अंगूठे को, तब से आप रो कंप्लीट करेंगे, 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये गले वाली नीडल है, दोनों साइड से ये नोक होती है, इसमें इसमें लेंगे फंदों को, एक फंदा ये लिया और ये जो हमें उल्टा दिख रहा है इसे छोड़ देंगे ऐसे,
अगले फंदे को लेंगे, इसे निकाल देंगे, अगले को लेंगे, इसे छोड़ देंगे, या फिर आप साथ साथ में अलग से नीडल में डालते जाइए अगर आपके फंदे निकल जाते हैं तो, कई बार उधड़ जाते हैं तो। ऐसे एक फंदा यहाँ लेंगे और ये वाला फंदा अलग से नीडल में लेंगे, ऐसे। देखिए अपने आप पता चलता है हमने, ये सीधा फंदा जो यहाँ से है ये ऐसे आएगा और ये जो उल्टा दिख रहा है वो ऐसे आएगा, ऐसे। अब इन फंदों को एक ही सिलाई में डाल लेंगे। अब इन फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर देना है, दो का एक बना देंगे, फिर नेक्स्ट दो फंदों का एक। हमारा ये अंगूठा बन चुका है। अब हमने इन्हीं फंदों को बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये वाली रो, ये हमने 10 सिलाइयाँ पूरी करनी है। तो बनाना वैसे ही है जैसे बनाते आ रहे हैं। यहाँ से अलग से थ्रेड हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये पहला फंदा जो है ये सीधा दिख रहा है यहाँ, इस फंदे को यहाँ पर अटैच कर लेंगे, इस फंदे को बुन लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये धागा लंबा रख लेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों हमने ये लंबा रखा है। एक फंदा अब ऐसे ही बनाते जाना, हमने एक उतारना है और एक बनाना है। जो ये फंदा है इसे उतारना है बिना बुना, जो ये उल्टा है यहाँ पर इसे बना लेना है। यहाँ पर देखिए लास्ट का फंदा बना लेंगे। आप बिना बुना लेंगे और अगला फंदा बुन लेंगे, एक बिना बुना लेंगे, नेक्स्ट फंदा बुन लेंगे। तो ऐसे ही हम ये, जैसे ये उल्टी हमारी एक रो बनी, ऐसे ही 10 रो बना लेंगे आगे। तो मैं बना, यहाँ पर देखिए बन चुका है हमारा ग्लव्स। ये यहाँ से ये 10 लाइनें हो चुकी हैं उल्टी उल्टी, जैसे हमने अंगूठे का यहाँ पर बाइंड ऑफ किया था ये वाला भी कर लेंगे। तो नीडल लेंगे ये अलग से, ये फंदा बुना है इसे इस नीडल में लेंगे, ये फंदा अलग से नीडल में ले लेंगे, फिर ये वाला फंदा अलग नीडल में लेंगे, ये वाला इसमें लेंगे, एक यहाँ से लेते जाएंगे, एक यहाँ से। जहाँ पर हमारा ये धागा है वर्क वाला, ये जैसे यहाँ तक हम फिर ऐसे लेके आएंगे, एक ही नीडल में डाल लेंगे फंदों को। ऐसे
ऐसे हो जाएंगे हमारे फंदे। एक फंदा उतारेंगे और अगला फंदा ऐसे बुन लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे। आप कैसे करके भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला फंदा बुनेंगे और जो पिछला फंदा है इसके ऊपर बाइंड ऑफ कर देंगे, ऐसे गिरा देंगे, तो हमारे ये बाइंड ऑफ होते जाएंगे फंदे। या फिर आप इस फंदे को आगे वाले नीडल में डालते जाएँ और दो का एक बनाते जाएँ, बनेगा सेम एक जैसा ही। हमारे फंदे यहाँ पर ऐसे बाइंड ऑफ होते जाएंगे, जैसा आपको इजी लगे वैसे आप बना सकते हैं। दो का एक करते जाएं ऐसे। ऐसे नीडल में धागा यही डाल लेंगे जो कि हमने यहाँ पर कट किया था, और ये वाले जो हैं दो यहाँ पर ऐसे डाल लेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो ये हमारा यहाँ से जॉइंट हो जाएगा फिर ऐसे, इसे यहाँ पर दो तीन बार ऐसे पक्का कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे एक नोट भी लगा लेंगे, और ये जो धागा है इसे ऐसे नीचे की साइड लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर भी एक ऐसे नोट लगा लें, डबल नोट। ये जो फंदे उठाए थे हमने यहाँ, इसलिए गैप पड़ गया है ये, देखिए। तो ये जो मैं धागा छोड़ा था, थोड़ा सा लंबा छोड़ा था मैंने, वो वाला यहीं पे उसी में नीडल डाल ली है, और यहाँ से फिर स्टिच कर लेंगे हम। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं ये, ऐसे देखिए स्टिच हो गया हमारा ये, और यहाँ पर नोट लगा लेंगे, एक दो नोट आप लगा लें ताकि पक्का हो जाए हमारा ये। और ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, और यहाँ से कट कर देंगे, इसे यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर देंगे, और यहाँ पर देखिए ये बन के रेडी हो चुका है, मैंने डाल लिया है हाथ में, ये देखिए ऐसे ऐसी इसकी लुक आएगी। यहाँ तक बना है, अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस बॉर्डर को आप बड़ा बना लीजिए, और ये लाइनें भी आप बड़ी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 15 डाली थी, आप 20 डाल लीजिए तो भी आपका ये यहाँ तक आएगा, बॉर्डर आपका यहाँ पर आ जाएगा, आगे सीधा आ जाएगा आपका प्लेन। उसके बाद सेम ऐसे ही आपने बनाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रेडी हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी बन के कम्प्लीट होते हैं ये ऐसे। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और समझने में परेशानी हो तो कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल का बटन है उसे प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। थैंक यू।